लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार की मंशा है कि लोगों को फोन के पट्टे मिले, और जो भी इसके अंदर जो लोन है गरीबों के, जो इंदिरा योजना है लोन की, वो मिले, और सेहत के लिए जो इनका कैंप लगाया मेडिसिन का, ये सब राज्य सरकार की मंशा है कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। खानपुरा ट्रीटमेंट प्लांट पर लगा प्रशासन शहरों के संग अभियान का शिविर, वार्ड 32 सहित आसपास के क्षेत्रों के लोग पहुंचे शिविर में नहीं मिला अपेक्षित लाभ। राज्य सरकार के आदेश अनुसार इन दिनों प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। पूर्व में यह शिविर निगम में आयोजित किए जा रहे थे, उसके बाद वार्ड स्तर पर इन शिविरों का आयोजन शुरू हुआ। शुक्रवार को खानपुरा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर वार्ड 32 और आसपास के अन्य वार्डों के लोगों के लिए शिविर आयोजित किया गया, लेकिन इन शिविर में लोगों ने खास रुचि नहीं दिखाई। हालांकि जो लोग यहां पर आए उन्हें सरकारी योजनाओं से अवगत जरूर कराया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और निगम के कई अधिकारी शिविर में मौजूद रहे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के बारे में महिलाओं को जानकारी दी, साथ ही नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन देकर मांग की है कि उनकी आंगनवाड़ी के आसपास जो भी सरकारी भवन है उसमें आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किया जाए या अन्य आंगनवाड़ी केंद्र को निर्मित किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ अध्ययन करने आ सके और उनका विकास हो सके। प्रशासन शहरों के संग जो अभियान हुआ है उसमें हमने आने वाली महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना की पूरी जानकारी दी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का जो लाभ मिलता है उस बारे में हमने बताया, और जो यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के जो फॉर्म भरे गए वो भी हमने यहाँ पे आने वाली महिलाओं के फॉर्म भरे हैं। हम लोगों की आगे भी यही मांग है कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों के पास में जो भी गवर्नमेंट की जो ज़मीन है, तो हम चाहते हैं कि उस पर, उस जो गवर्नमेंट ज़मीन है उसके अंदर हमारे आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो बनाए जाए, ताकि आने वाले बच्चों को और अच्छी सुविधा मिल सके। वहाँ पर नंदघर या सामुदायिक जो केंद्र है वहाँ पर हमारा कोई आंगनवाड़ी केंद्र बना दिया जाए, ताकि जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर कोई अच्छी सी आंगनवाड़ी बन सके और आने वाले लोगों का, बच्चों का विकास अच्छे से हो सके। इस मौके पर नगर निगम के अधिकारियों के साथ ही वार्ड 32 के पार्षद आरिफ खान भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से आयोजित शिविरों के कारण कई लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन एडीए और निगम के बीच सामंजस्य न होने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शिविरों का उचित प्रचार प्रसार नहीं होने से शिविरों की सफलता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दो दिन पहले अजमेर शिविरों का निरीक्षण करने पहुंचे नगरीय निकाय विभाग के शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने निर्देशित किया था कि एडीए और नगर निगम के शिविर अलग अलग न लगाकर एक ही स्थान पर लगाए जाए, ताकि लोगों को यहां से वहां न भटकना पड़े। बावजूद उसके अभी भी अलग अलग शिविर ही लगाए जा रहे हैं। नहीं, ये लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार की मंशा है कि लोगों को उनके पट्टे मिले, और जो भी इसके अंदर जो लोन है गरीबों के, जो इंदिरा योजना है लोन की, वो मिले, और सेहत के लिए जो इनका कैंप लगाया मेडिसिन का, ये सब राज्य सरकार की मंशा है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। भीड़भाड़ कम इसलिए दिख रही है क्योंकि दरअसल में क्या है कि इनका मतलब मैंने एडीए का और नगर निगम का थोड़ा सा तालमेल में इनमें कमी आ रही है, जिस वजह से थोड़ी सी मतलब राज्य सरकार की जो ये योजना है थोड़ी सी मतलब धीमी पड़ी हुई है। लोगों में रुझान कम है, कुछ जमीन एग्रीकल्चर की जो एडीए में आती है, कुछ निगम में आती है, कुछ दस्तावेजों की कमी है। तो मैं सोचता हूँ कि इसके अंदर दस्तावेज में थोड़ा बहुत ढील देना चाहिए निगम को और एडीए को, और उसी हिसाब से मतलब ये कार्य किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।